म्यूजिक इतना खास नहीं है बिकॉज आई गॉट फील रिलेटेड टू फर्स्ट वन जो दोज बीट्स एंड दोज म्यूजिक दैट फर्स्ट वन वॉज बैक आई थिंक आई बी गोइंग फॉर 3.5 दैट वुड बी जस्टिस मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी एंड फरहान अख्तर मेरा फेवरेट हीरो है देन पिक्चर बहुत अच्छी है एंड सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा अच्छा है श्रद्धा मुझे श्रद्धा बहुत क्यूट है वैसे भी okay. वो मेरी फेवरेट है एंड उसकी सिंगिंग या हाँ कैसे लगी उसके सॉन्ग अच्छे फैबुलस अगर आप रेटिंग करना चाहोगे तो कितना करोगे 4.5 रॉक ऑन 2 मुझे इतनी नहीं अच्छी लगी कंपैरेटिवली रॉक ऑन 1 ज़्यादा ही बेटर थी बिकॉज कोई भी मूवी होती है जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ओरिजिनली बहुत अच्छा लगता है जब उसका सीक्वल बनता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता लोगों को एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था और इसका प्रमोशन के अगर उस ऊपर भी देखोगे तो इतना नहीं हुआ था जितना लोगों को लगा था सॉन्ग्स भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे हाँ 1 के ज़्यादा थे कंपैरेटिवली 2 के तो सिर्फ 1 का जो वही सॉन्ग था रॉक ऑन जो उसका टाइटल सॉन्ग है वही सॉन्ग ज़्यादातर लोगों ने सुना है इस बार आपको अच्छा लगा या नहीं नहीं इस टाइम नहीं मैं ऑब्वियसली रॉक ऑन 1 को ही सपोर्ट कर रही हूँ उसी के गाने अच्छे लगे थे मुझे उनकी एक्टिंग है वो बबली और वही एक्टिंग उन्हें सूट करती है उन्हें ये सब ट्राई नहीं करना चाहिए माना उनकी आवाज़ अच्छी है वो गाना गा लेती है पर फिर भी उन्हें समझना चाहिए कि वो रॉक ऑन बैंड में उनके वो लग नहीं रहा था मैच नहीं हो रहा था एग्जैक्टली बिकॉज वो अगर कोई और होता ना उसकी जगह पे तो आई गेस बेटर होता मूवी और अच्छा कर सकती थी फरहान अख्तर ही इज माइंड ब्लोइंग वो 1 में भी उतने ही सुपर थे जितने वो 2 में लगे हैं मुझे सी आई बी ऑनेस्ट 5 में से श्रद्धा कपूर की वजह से मैं इसे कुछ भी ना दूँ लेकिन फरहान अख्तर की वजह से आई कैन गिव 2.5 लाइक द पास्ट 3 इयर्स रॉक ऑन इज जस्ट कम आउट नाउ सो प्रोबब्ली द अदर वे अराउंड तो आपको कितनी अच्छी लगी हाउ डिड यू लाइक नॉट वेरी गुड आई प्रेफर रॉक ऑन 1 बेटर रॉक ऑन 1 इज यस एंड व्हाट अबाउट द म्यूजिक I like the video of the second Rock On 2. They released the title song with a particular way of the music they released it. I like the video more than the song. Probably be 1.5 or 2. 1.5 or 2? Why? Yeah. Why? I didn't like it that much. That's it. अच्छी थी हाँ श्रद्धा का रोल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसमें एज कम्पेयर टू हर द मूवीज 3.5 फिल्म अच्छी थी इट वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट इट वॉज रियली गुड आई वुड बी अ बिग बायस बट आई थिंक फर्स्ट वन मुझे पर्सनली आई वुड प्रेफर दैट ओवर दिस वन Farhan is hot. Farhan always looks hot. And Shraddha Kapoor has a feature first time. Shraddha was looking hot. Shraddha has acted well. Obviously, in terms of acting, she is growing day by day. मतलब personally मुझे अच्छा लगा उनका जो role था. And the attire she was pulling off, वो बहुत अलग सा था. And it really looked good on her. The music इतना खास नहीं है. Because I could feel related to first one, जो those beats and those music, that first one was back. I think I'll be going for 3.5. That would be a success. अच्छी मूवी है श्रद्धा कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है फरहान अख्तर ने अच्छी एक्टिंग की है अच्छी लगी सॉन्ग्स अच्छे हैं दो तीन अच्छी मूवी पहले रॉक ऑन 2 के मुकाबले ये रॉक ऑन 2 कैसी थी ठीक थी पहले वाले के गाने और ज्यादा बेहतर थे इसके भी अच्छे हैं पर अच्छी मूवी है फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर ने मस्त एक्टिंग की है मेरी फेवरेट एक्चुअली और फरहान अख्तर ने भी अच्छी एक्टिंग है अर्जुन रामपाल भी बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं मूवी में It was an amazing movie. Script was good and performance from every actor was great. 3.5. Best मुझे तो अर्जुन रामपाल बहुत पसंद है और इसलिए मुझे उनकी ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी श्रद्धा न्यू एडिशन है इस कास्ट में इस बार श्रद्धा कपूर तो मुझे शुरू से ही पसंद है बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी और नेचुरली लगता ही नहीं है वो एक्टिंग कर रही है एंड आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे इसको 3.5